खेसारी लाल यादव का 2000 से 2022 तक का सफर। भोजपुरी फिल्मों की जब भी चर्चा होती है तो उसमें कुछ स्टार्स का जिक्र किए बिना चर्चा पूरी हो ही नहीं सकती। ये वे स्टार हैं जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर भोजपुरी फिल्मों को एक बेहतरीन मुकाम तक पहुंचाया। हालांकि भोजपुरी सिनेमा अच्छी फिल्में देने के मामले में काफी पीछे नजर आता है, लेकिन जानकारों की माने तो धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है। ऐसे ही एक स्टार जिनका नाम है खेसारी लाल यादव, जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में बदलाव लाने की काफी कोशिश की है। भोजपुरी लोक गीतों से अपने करियर की शुरुआत करने वाले खेसारी ने जैसे ही अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा, सफलता ने उनके कदम चूम लिए। खेसारी के प्रशंसक उनसे जुड़े किस्से, कहानियाँ, उनकी जीवनी को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। तो आइए जानते हैं खेसारी लाल यादव के अब तक के सफर के बारे में। खेसारी लाल यादव का जन्म 15 मार्च 1986 को बिहार के सारण जिले के धनाडीह गाँव में हुआ था। उनको बचपन से गाने का शौक था। खेसारी लाल का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। वो बचपन में गांव में होने वाले रामायण और महाभारत में रात में गाने जाते थे और दिन में पढ़ाई करते थे। वो भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने गाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। खेसारी ने खुद के गाने बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू किया। उन्होंने कई दिनों तक दिल्ली में अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहकर लिट्टी चोखा भी बेचा। खेसारी ने बहुत संघर्ष कर अपना पहला भोजपुरी गाना माल भेटाई मेला को रिलीज किया। इस एल्बम को लोगों का खूब प्यार मिला। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी में एक के बाद एक कई हिट गाने गाए। खेसारी लाल ने साल 2011 में आई भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और उनके पहले संगीत एल्बम का नाम था माल भिटाई मेला। खेसारी ने संगीत के जरिए अपना सफर शुरू किया और उनके गाने लोगों को इतने पसंद आने लगे कि वह अक्सर लोगों की जुबान पर रहते थे। दर्शकों और चाहने वालों से मिल रहे इसी प्यार की वजह से निर्माताओं ने उन्हें फिल्म में अभिनय करने का मौका दिया। खेसारी लाल को बस इसी मौके की तलाश थी और इसके बाद अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने फिल्मों और संगीत की दुनिया में एक मुकाम हासिल कर लिया और अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। आज खेसारी के इतने चाहने वाले हैं कि उनकी फिल्म आने पर थिएटर में पहले से ही भीड़ लग जाती है और उनकी ज्यादातर फिल्में हिट होती हैं। खेसारी लाल की निजी जिंदगी की बात करें तो वह बेहद ही सरल स्वभाव के इंसान हैं। अपने संघर्ष के दिनों में वह छोटे छोटे समारोह में गाकर और डांस करके अपना खर्चा चलाते थे, लेकिन इतनी मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते चले गए। अगर उनकी कुछ सुपरहिट फिल्म्स की बात करें तो ये फिल्में प्रमुख रूप से गिनी जाएंगी। साजन चले ससुराल 2011, जय से लहू के दो रंग 2012, प्यार का अवनो खेलना है 2012, छपरा एक्सप्रेस 2013, लहू पुकारेला 2014, खेसारी के प्रेम रोग 2015, सेहरा बांध के आऊंगा 2017, डमरू 2018, भाग खेसारी भाग 2019। उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भी भाग लिया है। सोनी म्यूजिक के साथ 2014 में उन्होंने कोयलांचल के गाने AK-47 से गायक के रूप में बॉलीवुड में पदार्पण किया। 2016 में उन्होंने ग्लोबल बाबा फिल्म के लिए अपना दूसरा बॉलीवुड गाना होली में उड़े गुलाल गाया था। 2017 में उन्होंने सबरंग फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। 2021 में उनका दूसरा बॉलीवुड सिंगल तेरे मेरे दरमियान रिलीज हुआ। खेसारी ने बॉलीवुड रैपर बादशाह के साथ प्रसिद्ध हिंदी गीत पानी पानी के भोजपुरी संस्करण में सहयोग किया, जिसे मूल रूप से आस्था गिल और बादशाह ने गाया था। सारेगामा के तहत भोजपुरी संस्करण जारी किया गया था और बादशाह ने भोजपुरी भाषा में रैप किया था। YouTube पर अपलोड होने के 60 मिनट के भीतर इस गाने को 10 लाख से अधिक बार देखा गया और ऐसा करने वाला यह पहला भोजपुरी गाना बन गया। उन्होंने गायक और संगीतकार शिप्रा गोयल के साथ अपने अगले बॉलीवुड एकल रोमांटिक राजा में काम किया, जिसे मुदस्सर खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया और गीत कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये लेटेस्ट न्यूज पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको खेसारी लाल यादव का कौन सा गाना या कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है।